सोलन शहर में आज बाजार बंद रहे। व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया। प्रवासियों की पुलिस वेरिफिकेशन की मांग उठाई। धर्मशाला में वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान स्थापित की गई सैनिटाइजर मशीनें आज एक नजारा बनकर रह गई हैं। जब कोरोना के संक्रमण ने दुनिया भर में हड़कंप मचाया था, तब इन मशीनों ने लोगों को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये मशीनें खुद अनदेखी और अवहेलना का शिकार हो गई हैं। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के चक्कर में ऊना जिला के एक युवक ने लगभग 125 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। इस संबंध में शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पहले मामले में पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत आते गांव मिलवा में पुलिस ने एक घर में 7.35 ग्राम हेरोइन बरामद की। वहीं दूसरे मामले में छन्नी में एक घर से 11.2 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। शिमला के कुफरी में टूरिज्म एंड ट्रैवल मीट आयोजित हुई। इस दौरान शिमला में घट रही सैलानियों की संख्या पर चिंता जताई गई। रोहड़ू में सेब डिजिटल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन लगी, जिसके चलते यहां आधुनिक तकनीक से सेब की ग्रेडिंग व पैकिंग हो रही है, साथ ही क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कुल्लू जिला में इस बार बरसात से अब तक 138 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपदा के समय से 11 लोग अभी भी लापता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इस वर्ष इसका विषय स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखा गया है। अब एक क्लिक पर लोगों को ऑनलाइन HPMC का ताजा जूस मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पाद अब अमेज़न पर उपलब्ध होंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाई कराना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से साहसिक गतिविधियां एक बार फिर शुरू हुई। सैलानी अब ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीड बिलिंग बंदला सहित अन्य साइट पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में सैलानी पहली बार हाई स्पीड स्टीमर और जेटी का आनंद ले सकेंगे। नाहन में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम व्यापारियों के लिए सख्त हुई मुस्लिम संस्थाएं, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बरसात के चलते पैराग्लाइडिंग गतिविधियां 2 महीने तक बंद थी। पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक धर्मशाला पहुंचे हैं। उपमंडल नगरोटा बगवा के गांव सहूं वडगरा के अमर शहीद ईश्वर दास के घर तक आज दिन तक सरकारी सड़क नहीं पहुंचा पाई है। वर्षों उपरांत भी सरकारों ने वायदे पूरे न किए तो अब स्थानीय ग्रामीण शहीद के घर तक खुद रोड बनाने में जुट गए हैं। सिरमौर के भूरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 32 लाख रुपए की लागत से नेचर पार्क और वन वाटिका बनेगी। हमीरपुर के मटानी में शमशान घाट पर बनी अवैध मस्जिद को वन विभाग की टीम ने हटवाया। स्मार्ट सिटी शिमला के संजौली ढली बाईपास में गंदगी का अंबार लगा। चंबा के साचपास में सफाई व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी। सफाई अभियान के लिए प्रशासन ने पंचायतों को निर्देश दिए। ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार को ज्ञापन भेजकर किसानों को निजी जमीन पर पेड़ों का मालिकाना हक देने की मांग की। नाहन में शिक्षकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में कालका शिमला हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी पर लगाया गया डंगा भरभराकर हाईवे पर गिरा। डंगा ढहने से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा भी सड़क पर आ गिरा। इससे फोरलेन की एक लेन पर वाहनों की आवाजाही ठप हो हुई। वहीं वाहनों की आवाजाही दूसरी लेन में डाइवर्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज मौसम साफ बना रहा। हालांकि 18 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 22 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है। कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर खेल मैदान में अंडर 19 T10 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में लड़कों की देश भर के विभिन्न राज्यों की कुल 18 टीमें जबकि लड़कियों की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं सोमवार को उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला खेला गया। मंडी शहर के नगर निगम वार्ड नंबर 5 रामनगर व वार्ड नंबर 6 सन्याड़ी के पुलघराट में इन दिनों तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। पिछले एक महीने से तेंदुआ आधा दर्जन कुत्तों को अपना शिकार बना चुका है। इसी बीच इस तेंदुए की तस्वीर HRTC में कार्यरत चालक संजय कुमार के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई। ऊना में कुटलहड़ के 1016 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कुटलहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने यह स्वीकृति पत्र वितरित किए। हमीरपुर में गणपति विसर्जन पर शहर में मनमोहक झांकी निकाली गई। इस मौके पर मौजूद सभी भक्तजन गुलाल के रंग में रंगे।